नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा के ताज नगरी में सूरज के तापमान ने मार्च अप्रैल में ही मई और जून जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। लोगों को चढ़ता सूरज और तपती दोपहरी ने घरों में कैद होने को मजबूर कर दिया। तो वही गर्मी की तपिश और लू को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। देख रहे हैं कि अप्रैल माह में भी काफी 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है। इसको देखते हुए हम लोग ने अलर्ट जारी कर दिया है और आज हम लोग अब पर डे रिपोर्ट भी कलेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह चिकित्सालयों में जो इससे ग्रसित लोग हैं हीट स्ट्रोक से अगर आ रहे हैं तो हम लोग तत्काल अपनी सुविधाओं को और एनहांस कर पाए। इसके अतिरिक्त हम लोग ने सभी चिकित्सालयों में प्रचुर मात्रा में IV फ्लूड उपलब्ध करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त उल्टी और दस्त से रिलेटेड जो भी दवाएँ हैं वो सारी सभी उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग अगर देख रहे हैं कि अगर इसकी अन्य कोई बीमारी जो हीट के कारण होता है अगर वो भी हो रहा है तो उसके लिए हम लोग एक कार्यशाला भी कर रहे हैं जिससे कि जो भी दिक्कतें हों उसको हम लोग जान पाएँ। फील्ड स्टाफ हमारा बहुत सारा सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, उनको भी एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है क्योंकि कोल्ड चैन हमें मेंटेन करनी होती है वैक्सीनेशन को लेकर, कोविड वैक्सीनेशन और साथ में मिशन इंद्रधनुष भी इस समय चल रहा है, उसको देखते हुए भी उनको ये एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया है कि अपनी कोल्ड चेन को मेंटेन रखें। ये इसके अतिरिक्त सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि ज़्यादा देर तक धूप में ना रहें। यदि बाहर निकलना पड़ता है तो अपने सर को कपड़े से ढक कर रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ लें और तरल पदार्थ अगर लेंगे तो उनको डिहाइड्रेशन नहीं होगा और अगर किसी भी तरह की असुविधा हुई तो बिना किसी झिझक के झोला छाप से जाने से बचें और एक किसी ऐसे चिकित्सक के यहाँ जो आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र के बुढ़ियाताल के पेट्रोल पंप के पीछे एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जहां मृतक व्यक्ति का नाम नरेश बताया जा रहा है तो वहीं परिजनों का आरोप है कि सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आगरा में सूरज आग बरसा रहा है और हालात मई जून जैसे हो गए हैं। तो वहीं स्कूल खुले हुए हैं, ऐसे में भीषण गर्मी से बच्चे बेहद परेशान हैं। बच्चे और अभिभावक चाहते हैं कि गर्मी को देखते हुए स्कूल बंद कर दिए जाए। इसको लेकर स्कूल प्रशासन भी अब बातचीत करेगा। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रयास से एयरपोर्ट बनाया जाएगा। बता दें कि अमेठी के फुर्सतगंज स्थित इंदिरा उड़ान अकेडमी में एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा जिसको लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर निकाल दिया है। बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र के श्री शिरडी साई सर्वदेव मंदिर में चोरों ने सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि सुबह लगभग 4:30 बजे एक चोर मंदिर में प्रवेश कर साईनाथ के चांदी के चरण पादुका और दान पात्र को लेकर फरार हो गया जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने अब इस पूरे मामले में आरोपियों की तलाश करनी शुरू कर दी है। साईनाथी करने के बाद मैं सोने के लिए ऊपर चला गया। जब मैं सुबह को 5:15 बजे नीचे उतरा तो सबसे पहले हमारे माली राम जो मंदिर में राजकुमार माली रहते हैं उन्होंने कहा दान पात्र गायब दिख रहा है। दान पात्र गायब था, इसके अलावा हमने देखा कि हमारी वेदी पर एक चांदी के चरण पादुका रखे होते हैं, वो चरण पादुका भी गायब थे और हमारे पैसे जो उसमें चौकी पर कुछ रखे रहते हैं वो रुपए गायब है। दान पात्र में एक महीने का जो भी पैसा आता था वो एक महीने बाद हम खोलते हैं, कितने थे ये पता नहीं, परंतु वो चोरी निकला। जब हमने CCTV फुटेज में देखा तो एक चोर व्यक्ति बाकायदा 4:30 बजे मंदिर में प्रवेश करता है, काफ़ी देर रहता है, जो दान पात्र हमारे फिक्स है उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है और उसके बाद जब वो नहीं ले जा पाता है तो जो दान पात्र ओपन रखा था वो ले गया है। बिजनौर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धनवीर सिंह ने आगामी त्योहार और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत निरीक्षण किया जिसमें थाना हल्दौर क्षेत्रांतर ग्राम खारी और झालू में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करते हुए आमजन की सुरक्षा का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि सभी लोग हमारी मदद करें। हल्दौर का गांव खारी जो मेन रोड पर है काफ़ी पॉपुलेटेड है और सांप्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील गाँव है। यहाँ पर आज रूट मार्च किया गया, फुट पेट्रोलिंग किया गया, यहाँ पर फर्स्ट टाइम फुट पेट्रोलिंग हुआ और निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ की सांप्रदायिकता को देखते हुए नवरात्र और रमजान को देखते हुए लगातार यहाँ पर फिर पोटेन को यहाँ के लोगों में पार्टी। चमोली में BJP ने आज अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया जहां पूरे प्रदेश में भव्य तरीके से स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसी क्रम में चमोली में BJP के जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष ने ध्वजारोहण किया जहां BJP के कई बड़े नेता मौजूद रहे, साथ ही भारी संख्या में वहां BJP के कार्यकर्ता भी मौजूद थे।
फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील में रिश्वतखोरी करने का मामला चरम पर है। जो अभी कुछ दिन पहले कायमगंज तहसील में एक बाबू का 40,000 की रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन अभी भी रिश्वतखोर मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी रिश्वतखोरी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। फिरोजाबाद में एक सिगरेट को लेकर 5 साथियों में मारपिटाई हो गई, जहां 4 साथियों ने अपने ही एक साथी को लाठी डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया और मौके से फरार हो गए। परिजन युवक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। ये घटना इस तरीके से है कि जैसे कि ये सुबह शाम के टाइम गया है 8 बजे। कितने तारीख की बात है ये? 3 तारीख की बात है। ये 8 बजे गया है और सुबेरे इसको देखा है तो पूरा घायल, यहाँ से ये आंखें फोड़ दी गई थी, आंखें तो बिल्कुल निकाल दी है और ब्लेड के इसके निशान है, 22 टाके इसके अंदर है। और जो कि नाम जो इन्होंने जो घटना की है, इनके नाम बरामद भी हो चुके हैं, वो राजवीर, राहुल और एक पवन और क्या नाम है उसका, पप्पू, और एक मल और नाम बता रहे हैं उसका। नोएडा में जगह जगह पर मिट्टी के बर्तनों के बाजार लगे हुए हैं। ऐसे में इन बाजारों में अच्छी खासी भीड़ भी देखने के लिए मिल रही है। ये मिट्टी के बर्तन डिमांड में दिखाई दे रहे हैं। हमीरपुर में शराबी युवक ने परिजनों से झगड़ा होने पर अपने शरीर पर तेल डालकर शराब के नशे में खुद को आग के हवाले कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया है। फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। कैसे आग लगाने का क्या कारण रहा? आपको कैसे जानकारी हुई? आदमी चल रहा नहीं, बोलो मैं आग लगा दी, आग लगा दी। कन्नौज में MLC चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे, जहां समर्थित प्रधानों, सभासदों, BDC और जिला पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की, साथ ही प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की है। उत्तरांचल लेखपाल संघ द्वारा लक्सर तहसील सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संघ की लक्सर तहसील की नई कार्यकारिणी का निर्विरोध गठन किया गया। इस कार्यकारिणी का चयन पर्यवेक्षक ब्रजभूषण और शिवपाल सिंह की देखरेख में किया गया। हमारे जो साथी थे कुलदीप सिंह चौहान, वे पहले अध्यक्ष थे, वे सेवानिवृत्त होने के कारण उनकी जगह मेरे को अध्यक्ष चुना गया। जो संघ के जो काम हैं, जो मेरे साथियों के हैं, जो पेंडिंग हैं, जो भी काम रुके हुए हैं उच्च अधिकारियों से या तहसील स्तर पर, श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय, तहसीलदार महोदय के, वो वरीयता पे, प्रायोरिटी पे सब साथियों के कार्य कराए जाएंगे। लखनऊ में BJP के स्थापना दिवस पर CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा मकसद उन लोगों को आगे ले जाना था जो एक राजनीतिक दल के रूप में भारत के लिए समर्पण की भावना पैदा करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे देश के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कश्मीर के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेशवासियों को अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पारे में 2 डिग्री सेल्सियस तक और उछाल की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 5 दिनों तक पूर्वी तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी जारी रहेगी। पीलीभीत में शिकायतकर्ताओं के द्वारा की गई शिकायत पर सदर तहसील प्रशासन के द्वारा पूर्व महिला ग्राम प्रधान के अवैध ढाबे पर कार्रवाई की गई, जहां बुलडोजर चलाते हुए ढाबे को खंडहर में तब्दील कर दिया गया। आज साहब हमारे बगैर कोशिश करे भाई, हमें नहीं बताया तहसीलदार और लेखपाल काने हुए ने हमारा होटल खसा दिया था, और हमारे पास में और कोई जमीन नहीं है और ना हमारे पास में कोई करने कोई साधन है, ना हमारे पास में ना साथ बीमार था, ना हम मजदूरी कर सकते हैं। होटल कहाँ पे था आपका? ये दादू शांति पेट्रोल मिल के सामने है, बरेली रोड पे। कब से होटल चला रहे थे आप? 25 साल आएंगे सर। बिमला जी, ये चोट कैसे आई आपके? मारा साहब, खसाए रहे तो मिना करी। किन लोगों ने मारपीट की आपके साथ में? एक किसान और ये संतोष। क्यों आपको मारा इन्होंने? खसाए रहे होटल ने मिना करी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे क्यों खसाए रहे? तो काब तुम्हारी जगह हम थोड़ू तो बना गए। पौड़ी में कोरोना के विकट परिस्थितियों में 175 कोरोना फाइटर्स की नियुक्ति की गई थी, जिनकी सेवाएं 31 मार्च को समाप्त कर दी गई थी, जिसके विरोध में आज इन सभी कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय पौड़ी में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है। कई परिवारों की जो आर्थिक स्थिति इसी से चल रही थी और अचानक से हमको हटा दिया गया है। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति चल बना गई है इससे, और ये भी हुआ है कि हमने निस्वार्थ सेवाएं देने का हमने काम किया था, लेकिन इन निस्वार्थ सेवाओं के काम में प्रतिफल भी मिलना चाहिए, कि हर किसी की आशा होती है। मुझे देखने को मिला कि इन्होंने जो है अपना एक जुलूस टाइप का प्रदर्शन किया है, तो मैं इनके पास आया हूँ कि भाई इस तरह का क्या बात है। तो मुझे लगा कि अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है मंत्री जी की तरफ से, वो मिले हैं, इनको आश्वासन मिला कि हम आगे कुछ करेंगे। तो मैं इनसे यही आग्रह किया, मैंने सभी ये जो अपने छोटे भाई कर्मचारी हैं यहाँ के।
जोधपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने नाबालिग भतीजे के साथ अवैध संबंध बनाए। वहीं जब अवैध संबंधों की जानकारी परिजनों को लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बता दें कि आरोपी महिला HIV पॉजिटिव है और उसकी पति की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई है कि उनके नाबालिग पुत्र के साथ उन्हीं की अपनी भाभी ने, जो कि एक संक्रामक बीमारी से पीड़ित है, बहला फुसला करके नाजायज संबंध बनाए। इस पर हमारे द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके इसका अन्वेषण किया गया। इसी के दौरान कुछ फैक्ट सामने आए जिसमें उक्त महिला को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विवेचना इसमें की जा रही है। गोरखनाथ मंदिर में हमले का संभल कनेक्शन सामने आया, जहां ATS ने एक घर में दबिश देकर तलाशी ली। दरअसल गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के आरोपी मुर्तजा अब्बासी के संपर्क में संभल के एक शख्स के होने की जानकारी मिली थी। शामली के रेलवे ट्रैक पर कुछ लोगों ने युवक के साथ मारपिटाई की है। इस दौरान GRP पुलिस मौके पर पहुंची और दबंगों ने उनके साथ भी अभद्रता की। क्या वहां झगड़ा हो रहा था? हाँ, आपस में झगड़ा होने वाला ही था तो पुलिस पहुंची थी वहां पर। हाँ, पुलिस पहुंची। फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं, फिर इनकी बैसा बैसी हुआ पुलिस से। पुलिस से? अच्छा, एक आरोप लगाने की गाली गलौज भी हुई है पुलिस से इनकी? नहीं, पुलिस वालों ने गाली वाली दी थी वो। पुलिस वाले ने एक बार तो कहा के लगा भाई, जो है मतलब वो मैं कह नहीं सकता, तो मतलब आप शब्द गए? हाँ, एक बार बस, और बाकी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम अपने घर चले जाओ, ये अपने घर चले जाएंगे बच्चों। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।